हेलो दोस्तों, मैं सीमा दत्त, आप देख रहे हो लवली ब्लॉगर सीमा। तो दोस्तों, आज जैसे कि आप देख रहे हो मेरे बाल खुले हुए हैं, तो मैं आज इनमें ऑयलिंग करने वाली हूँ। मैंने रेमेडी बनाई है ना, वो कुछ इस तरीके से है कि इसको लगाने से आपके झड़ते बाल और रूप बनने शुरू हो जाएंगे। अगर आपके गंजापन आ रहा है या बाल सफ़ेद हो रहे हैं, उन सब के लिए ये रेमेडी रामबाण साबित होगी। तो चलिए, इस रेमेडी को मैंने कैसे तैयार किया आप आगे देखते रहिए। स्किप बिल्कुल मत कीजिए, वीडियो को रेगुलर देखिए और वीडियो में रेगुलर बने रहिए, तभी इस रेमेडी का आपको पूरा पता चलेगा कि मैंने इसको कैसे तैयार किया। मैंने इसको 3 गिलास पानी लिया। 3 गिलास पानी में मैंने गाजर का, वो हम लोग वेस्ट कर देते हैं ना उसको छील के, गाजर को, आलू को, प्याज को, लहसुन को और अपने हरी सब्जियों को, पालक को हम ऐसे फेंक देते हैं। मगर ये रेमेडी जो मैंने उन्हीं वेस्ट मटेरियल से बनाई है जो हम फेंक देते हैं, तो इस रेमेडी को बना करके जो इसका रिजल्ट आएगा वो आप सब देखेंगे। सभी इस रेमेडी को एक बार ट्राई करके देखिए और कमेंट में मुझे आके बताइए कि इससे आपको क्या फ़ायदा हुआ। शायद आप ये पहले लिखेंगे कि पहली बार लगाने से मेरे बाल झड़ने बंद हो गए, दूसरी बार अगर लगाएंगे तो आप इसको फिर बताएंगे आकर के कि मेरे बाल थोड़ा ग्रोथ करने लगे, नए निकलने लगे, रूट्स बन गई बालों की। ऐसे ही जैसे जैसे इसको इस्तेमाल करते जाएंगे आप मुझे कमेंट करते जाएंगे कि अब हाँ हमें इस चीज़ का फ़ायदा हो रहा है और हमारे साथ ये इस्तेमाल करने से फ़ायदा हुआ है। तो चलिए मैं बताती हूँ इस रेमेडी को मैंने बनाया कैसे है। 3 गिलास मैंने पानी लिए हैं, नॉर्मल पानी जो हम रोज भरते हैं पीने के लिए, खाने के लिए, सब वही पानी लिया। और 3 गिलास पानी लेने के लिए लेने के साथ साथ मैंने क्या, गाजर छीली हुई थी उसका छिलका, प्याज और टमाटर, सॉरी आलू और पालक, ये चीज़ें मेरे पास थी, मैंने इन चीज़ों का इस्तेमाल किया था आज, तो मैंने उसको फेंकने की बजाय ये रेमेडी बना दी है। तो मैं हम अक्सर ये रेमेडी लगाया करती हूँ और मेरे बालों को बहुत आराम है, झड़ने बंद हुए, रूट्स निकलने शुरू हो गए। और आप देखेंगे अगर आपके वाइट बाल हैं तो वो भी उम्र से पहले हो रहे हैं, तो किसी भी उम्र के बाल हों वो सफ़ेद होने शुरू हो जाते हैं, जो उनको ये धीरे धीरे ब्लैक कर देगा। तो चलिए बताती हूँ इन सब चीज़ों को मैंने क्या किया। इन सब छिलकों को मैंने पानी में डाल दिया, पानी 3 गिलास पानी जो मैंने लिया था उसमें डाल दिया, बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने उसको पूरा उबलने दिया। खूब अच्छे से मैंने उसको उबाला। उबालने के बाद कि जब वो पानी ये 1 गिलास के समान रह गया, तब मैंने उसको गैस को बंद कर दिया और मैंने इसको फ्लेम से उतार लिया और थोड़ा ठंडा हुआ। ठंडा होने के बाद मैंने इस बोतल में भर लिया और इस बोतल में मैंने इसलिए भरा, ये बोतल मेरी नई नहीं है, पुरानी है, क्योंकि मैं अक्सर बना करके डालती हूँ मगर मैंने रेमेडी आपके साथ कभी शेयर नहीं की, इसलिए मैंने इसमें डाला है, क्योंकि ये जो बोतल है ये स्प्रे वाली है, इसमें इस स्प्रे वाली है, देख रहा होगा आपको, तो ये स्प्रे से ये निकलता है। तो ये बालों में आज मैं लगाने वाली हूँ और लगाने के बाद आप खुद देखोगे कि आपको वाकई में फायदा होता है। तो चलिए मैं अभी लगा लेती हूँ, अपनी बेटी से बोलती हूँ कि ये मेरे बालों में लगा देगी और फिर मैं सुबह सिर धो लूँगी। नॉर्मल जैसे सिर हम धोते ही हैं ना, जैसे हम सिर धोते हैं रोज अपना नॉर्मली पानी से, शैम्पू से, वैसे ही हम लोगों को सिर धो लेना है, कुछ इसमें ज़्यादा करने की जरूरत नहीं, बस उसको छान के इस बोतल में मैंने भर लिया है और अब इसको मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ। अभी भी हल्का सा गर्म है, गुनगुना सा, गुनगुना भी नहीं कहा जाता, हल्का, बिल्कुल हल्का सा महसूस कर सकते हैं इसको कि हल्का सा गर्म है मगर है ये ठंडा। तो चलो अभी इसको लगा लेते हैं।
पूरे इसमें ऐसे देखो बाल एकदम सॉफ्ट है मेरे,
कंघी ऐसे ही फिसली जा रही है बालों में से, बालों में एक भी कंघी में बाल नहीं आया है, आप अच्छे से देख सकते हैं इसमें बाल कोई नहीं है। तो आप भी इस रेमेडी को इस्तेमाल कीजिए, ट्राई करके देखिए गाइस। ये देखिए बहुत अच्छे बाल हो जाते हैं। आप भी इसको इस्तेमाल करेंगे तो आप खुद इसका लगाने के बाद रिजल्ट आप देखोगे अपनी आँखों। देखो एकदम बाल मेरे पूरे नीचे तक मैंने ग्रोथ, पूरी ग्रोथ पे ये अप्लाई किया है, दिख रहे होंगे आपको गीले बाल मेरे, बाल सूख भी चुके हैं, अभी कुछ बाल सूखने वाले बाकी हैं। देखिए पूरे बाल गीले गीले से हैं। तो यही वीडियो आपके साथ मैं आज रेमेडी आपके साथ शेयर करना चाहती थी। तो जो मैंने आपके साथ शेयर किया है बहुत कमाल का फार्मूला है, अगर आप इस्तेमाल करेंगे खुद देखेंगे इसका रिजल्ट कितना अच्छा है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड बेल आइकन का छोटू सा जो बटन रहता है उसको भी जरूर प्रेस कीजिए, मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिलती रहेगी। तो चलिए गाइस आज यहीं स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।